हम बात करेंगे हमें क्या क्या मार्केट ऑप्शंस अवेलेबल है, हमें अलग अलग प्रकार के मार्केट ऑप्शंस अवेलेबल है, हमें अलग अलग प्रकार के सेल्स चैनल्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं सेल्स चैनल्स की। हमें तीन प्रकार के सेल्स चैनल्स अवेलेबल होते हैं इंडिया में, जनरली B2B, B2B2C और B2C, ये तीन प्रकार के सेल्स चैनल्स अवेलेबल है। जब हम बात करते हैं B2B सेल्स चैनल की, तो हम क्या पाते हैं कि B2B में हम डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करते हैं, B2B2C में हम पाते हैं कि हम बिजनेसेस को सप्लाई करते हैं जो कि हमारा प्रोड्यूस आगे कस्टमर्स को बेचते हैं, और B2C में हम पाते हैं कि डायरेक्टली हम कस्टमर्स को हमारा प्रोड्यूस बेच रहे हैं। तो जब हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो B2C रन करना या उसके ऑपरेशंस मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है लॉन्ग रन के लिए। B2B और B2B2C मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो हमने हमारे कमर्शियल फार्म से हमने सिर्फ B2B और B2B2C को सप्लाई किया है, हमने कभी B2C को सप्लाई नहीं किया है। हमारा फार्म पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, इस वजह से डायरेक्ट कस्टमर केटरिंग करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से। तो B2B में हम देखते हैं कि हम होटल्स को सप्लाई कर सकते हैं, हम मार्केट यार्ड या कि APMC या फिर खुदरा मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को सप्लाई कर सकते हैं, हम एक्सपोर्टर्स को सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमें मिलता है, हमें रिटर्न्स के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, हमारी जो पैकेजिंग होती है बहुत ही चीप होती है, बहुत ही आसान होती है। जनरली B2B में जो माल जाता है वो बहुत सारे लोगों से खरीद के फिर रिपैक होकर फिर आगे कस्टमर को या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसमें जो आउटर पैकेजिंग के बारे में हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है। तो जब भी आप B2B में आप डील करते हो, कॉस्टिंग B2B की थोड़ी कम होती है, ये होलसेल रेट में हमें बेचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटीज में माल जाता है, यहाँ पे बल्क में हम माल अपना भेज सकते हैं। तो B2B का एडवांटेज सबसे ज्यादा हमें वही मिलता है। B2B2C में हमें एक छोटी पैकेजिंग में हमको कस्टमर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर जिस प्रकार से खरीदेगा उस मात्रा में हमें बिजनेसेस को बेचना पड़ता है। यहाँ पे हम रिसेलर्स को बेच सकते हैं या फिर हम लोग मॉल्स को बेच सकते हैं, हम लोग जेनरिक ई कॉमर्स जैसे कि बिग बास्केट हो गया या फिर मोर सुपर मार्केट हो गया, हम इन्हें अपना माल बेच सकते हैं, या फिर हम लोग सुपर मार्केट में अलग अलग प्रकार के सुपर मार्केट जो सिटी में लोकेटेड होते हैं हम उनको भी अपना माल बेच सकते हैं। तो जनरली B2B2C में जो एडवांटेज हमें जो मिलता है, वहां पे हम अपनी कीमत तय कर सकते हैं अगर हमारी अपनी खुद की ब्रांडिंग है तो। अगर हमारी खुद की ब्रांडिंग नहीं है तो हम उसको जेनरिक क्वांटिटी में हम उसको भेज सकते हैं, और जो भी रिसेलर्स होते हैं या फिर जो भी मॉल्स होते हैं वो जो भी मार्केट प्राइसिंग है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी क्या होगी, और उसके बिलिंग साइकिल उस प्रकार से मैनेज किए जाते हैं। अब हाइड्रोपोनिक का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि सारी इनपुट कॉस्ट, मतलब लगने वाला पानी, लगने वाला फर्टिलाइजर, लगने वाली सीड्स, लगने वाली लेबर कॉस्ट, ये बहुत ही कॉन्स्टेंट होती है, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं पाया जाता है। क्लाइमेट का भी जो भी डिपेंडेंसी होती है वो भी जीरो होती है, तो क्लाइमेट डिपेंडेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमको प्राइसिंग में देखने नहीं मिलते हैं। तो हम इनके साथ जब भी हम काम करते हैं, हम पूरे साल के लिए एक फिक्स कॉस्टिंग डिसाइड करके हम उनके साथ आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमको एक बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जहाँ पे हम ग्रोथ पैटर्न देख सकते हैं और उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। B2C में जनरली हम अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली अपना माल बेचना चालू करते हैं, ये हम 3-4 प्रकार से कर सकते हैं। हम इसके लिए अपना खुद का स्टोर सेटअप कर सकते हैं, या फिर हम अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर हम किसी सोसाइटीज में या फिर हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में जाके अपना माल बेचना चालू कर सकते हैं। हम काउंटर सेल भी कर सकते हैं बड़े बड़े मार्केट्स में, या फिर खुदरा मार्केट्स में अपने छोटे छोटे स्टोर लगा के भी हम अपना माल बेच सकते हैं। हम ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर अपना ऐप डेवलप करके, वो iOS या फिर एंड्रॉइड पैड बेस्ड हो, ऐसा ऐप बना के हम अपना माल कस्टमर को बेच सकते हैं। B2C में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है क्वालिटी की। हमें अपनी क्वालिटी कांस्टेंट तो रखनी है, बट सेम टाइम पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारी जो कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेशंस होती है B2C में कहीं ज़्यादा होती है। तो इवन एक B2C में अगर हमको रेट्स अच्छे मिलते हैं, हमको रिटेल रेट्स मिलते हैं, लेकिन उसका जो रिटर्न्स रेट होता है या फिर उसका जो डैमेज रेट होता है या फिर उसका जो कस्टमर को हमको जो रिटर्न्स देने पड़ते हैं उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली होलसेल मार्केट में डील करना, इन B2B और B2B2C में होलसेल मार्केट में रेट, होलसेल प्राइसेस पे रेट करना, ये कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है कमर्शियल फार्मिंग के लिए लॉन्ग रन पे।